डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, 10th क्लास में साइंस में अभी हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर को हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो 10th क्लास के इस साइंस वाले जो चैप्टर हैं, इसमें से दोस्त हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को किए हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर के को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और इस प्रश्न उत्तर में पहले वाले प्रश्न को हम लोगों ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलिए तो दूसरे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए, दो तंत्रिका कोशिकाओं ब्रैकेट में उसको कहेंगे न्यूरॉन, दो तंत्रिका कोशिकाओं ब्रैकेट में न्यूरॉन के मध्य अंतग्रथन ब्रैकेट में उसको सिनेप्स का लिखा हुआ है, सिनेप्स में क्या होता है। जी हाँ, ये क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे, लिखा है दो तंत्रिका कोशिकाओं जिसको न्यूरॉन बोला जा रहा है के मध्य अंतर्गर्थन में, अंतर्गर्थन का मतलब है कि उसके मध्य वाले स्थान जिसको सिनेप्स कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए। दूसरा के उत्तर लिखेंगे, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है, कॉमा विद्युत तरंग के रूप में आने वाले तंत्रिका आवेग एक रसायन को स्रावित करती है, जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है। पूर्णविराम। इसी प्रकार ये रसायन अगली तंत्रिका। चलिए तो ये जो क्वेश्चंस बोल रहा था, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा था कि दो जो तंत्रिका कोशिका होती हैं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, उसके मध्य स्थान यानी कि जो मध्य अंतग्रंथि होती है, उसको सिनेप्स कहते हैं। और इस सिनेप्स के में यानी सिनेप्स के अंदर क्या होता है, तो आपको जानना चाहिए कि जो दो तंत्रिका कोशिका के बीच अंतर खाली स्थान जो होता है, बहुत छोटा खाली स्थान होता है, एकदम बहुत ही हल्का जगह होता है। वो जगह क्या होता है, तो उस जगह में विद्युत आवेग यानी विद्युत तरंगों के रूप में आने वाली जो आवेग होती है, उस रसायन को स्रावित करती है। यानी एक तरह का केमिकल्स है जो रिलीज होती है उस सिनेप्स के अंदर में, जो एक विद्युत आवेग को स्रावित करती है उस विद्युत आवेग के जैसा, क्योंकि इसी विद्युत आवेग के जरिए हम लोग शरीर के किसी भी भाग से सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत आवेग की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और फिर हम लोग इसका यूज करके हम लोग शरीर के किसी भी भाग से कुछ सूचनाएं होती है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक और बात लिखे हुए हैं कि ये जो सूचनाएं हैं,
ये कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्ली यानी कि जैसे ही सिनेप्स एक सिनेप्स से यानी कि एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में पहुंचाने का भी काम करती है। तो यहाँ से हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चंस को नोट करेंगे और फिर देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है। तीसरा क्वेश्चंस नोट किया जाए, लिखेंगे मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग। जानते हैं हम लोग कि मस्तिष्क को कुल मिलाकर 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये जो तीनों भाग होते हैं मस्तिष्क का, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, उसके संतुलन को नियंत्रित करती है, ऐसा कौन सा भाग है। तो जानते हैं आप, हम लोग पढ़े हुए हैं पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क जो है कंट्रोल करता है, या फिर बोल सकते हैं कि पश्च मस्तिष्क में ही एक पाया जाता है जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। जब हम लोग मानव मस्तिष्क का फिगर बना रहे थे तो वहां पे अनुमस्तिष्क को अच्छा से हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे स्थित है। तो तीसरा का आंसर लिखेंगे पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग द्वारा संतुलन को पता लगाया जा सकता है या अनुरक्षित किया जाता है? तो पश्च मस्तिष्क, और इसी के अंदर स्थित होता है अनुमस्तिष्क। तो ब्रैकेट में अनुमस्तिष्क इसका लिख लेंगे, आंसर हो गया, ठीक है। सवाल बोल रहा था सिर्फ ये कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग शरीर के संतुलन और स्थिति का अनुरक्षण का कार्य करती है, वो है हमारा पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे एक अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाते हैं। एक अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाते हैं? जी हाँ, जैसे कोई भी सुगंध का बात करें, अगरबत्ती का गंध ही नहीं, जैसे कोई गर्म खाने हैं या फिर कोई मीठा भोजन बन रहा है, कहीं से भी घी पकाया जा रहा है, उसका गंध हम लोग पहचान सकते हैं दूर से ही। ऐसा क्यों हो पाता है? ये सब गंध जो है हमको पता कैसे लगता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क के अगले हिस्से जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, वहां पे घ्राण केंद्र है। घ्राण का मतलब सूंघने वाला केंद्र पाया जाता है, और इसी अग्र मस्तिष्क के हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघने का भी इसी केंद्र में हम लोगों को केंद्र पाया जाता है, और अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क ही कंट्रोल करती है। तो कुल मिलाकर सवाल बोल रहा है कि एक अगरबत्ती के गंध का हम लोग पता कैसे लगाते हैं या पता कैसे चलता है। तो चलिए 4th नंबर का आंसर लिखा जाए, लिखेंगे विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में घ्राण केंद्र होते हैं। घ्राण, अब ये घ्राण केंद्र किसको कहते हैं? जो स्पेशल सुगंध को पता लगाता है। तो क्या लिखेंगे? मस्तिष्क में घ्राण केंद्र होते हैं जो अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं, जो अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं, इसके कारण हम
अगरबत्ती के गंध का पता लगाते हैं? अगरबत्ती के गंध का पता लगाते हैं। जी हाँ, तो सवाल बोल रहा था कि अगरबत्ती के गंध का हम लोग पता कैसे लगाते हैं। तो सिंपल ये है कि हमारे विभिन्न अंगों से सूचनाओं को पाने के लिए मस्तिष्क में एक घ्राण केंद्र होता है, जो जो स्पेशल सुगंध के लिए सुगंध को पहचानने का काम करता है, और ये अग्र मस्तिष्क में स्थित है। इसी यही कारण है कि हम अगरबत्ती के गंध को पहचान पाते हैं, पता लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको हम लोग समझें। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे पहुंचते हैं, और ये प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए पहले क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चंस लिखा जाए, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन समझिए, कि प्रतिवर्ती क्रिया जब होती है हमारे शरीर में, तो उसमें मस्तिष्क का क्या रोल है, मस्तिष्क हमारा क्या मदद करता है प्रतिवर्ती क्रिया के लिए। और प्रतिवर्ती क्रिया का तो मतलब हम लोग समझते ही हैं, प्रतिवर्ती क्रिया वैसी क्रिया होती है जो अनैच्छिक क्रिया होती है, यानी कि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है, जैसे भोजन का पचना, हृदय का धड़कना, पलकों का झपकना आदि। ये सभी क्या हैं? अनैच्छिक क्रिया हैं, और इसी को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है, मस्तिष्क क्या रोल करता है, मस्तिष्क किस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया में मदद करती है। तो 5वां का उत्तर लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है। पूर्ण विराम, प्रतिवर्ती क्रिया में नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा किया जाता है। मेरुरज्जु क्रिया द्वारा किया जाता है। पूर्ण विराम, मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने ओर एकत्र कर लेता है। सूचना अपने ओर एकत्र कर लेता है। जी हाँ, आप समझ पा रहे होंगे, ये जो प्रतिवर्ती क्रिया सवाल बोल रहा था कि मस्तिष्क के लिए किस प्रकार नियंत्रण का काम करती है, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है। बिल्कुल सही, यानी जो हम लोग सीधा मतलब समझें कि प्रतिवर्ती क्रिया के लिए हमारा मस्तिष्क जो है नहीं सोचता है, इसीलिए ना इसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। लेकिन अभी जो प्रतिवर्ती क्रिया है, ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हमारे ब्रेन में पीछे वाला भाग मेरुरज्जु होता है, वही मेरुरज्जु जो होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया जैसे कि हृदय को धड़कना, भोजन का भूख लगना, भोजन पेट भर जाना, तो ये सब को नियंत्रित करती है हमारी मेरुरज्जु। तो इस तरीके से याद रखिए कि मस्तिष्क जो है प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य को, सूचनाओं को बस एकत्र करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 थे, और इसी प्रश्न संख्या को हम लोग आज कंप्लीट किए। तो दोस्त, अगले क्लास में हम लोग इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज ये 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया, इस प्रश्न को। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टॉपिक्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।